नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम एक शार्ट ट्रिक लेकर आए हैं, एक ज़बरदस्त फार्मूला लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाहों को याद करने का शार्ट ट्रिक्स मैं आप लोग को दे रहा हूँ, एक ज़बरदस्त फार्मूला दे रहा हूँ। इससे पहले क्या है कि हम लोग पश्चिमी तटीय बंदरगाहों को देखे थे, जो भी गुजरात से लेकर केरल के मालाबार तट तक जो भी प्रमुख बंदरगाह थे, उसका एक सूत्र मैं आप लोग को दिया था। तो अब एक नया सूत्र यह है कि पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं, जो भी आपके पास पश्चिम बंगाल से लेकर और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट तक जो बंदरगाह हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो पूर्वी तट के सभी महत्वपूर्ण बंदरगाहों को केवल एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, केवल एक आसान से फार्मूले के माध्यम से केवल 10-15 सेकंड के अंदर आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ट्रिक यह है, आपका CTV, यही एक ट्रिक है, यही एक फार्मूला है, जिसके माध्यम से आप पूर्वी तट के सभी बंदरगाहों को समझ सकते हैं। ट्रिक ये है, आपका CTV, आपका CTV, एक टीवी है जिसका नाम है सी, तो इसलिए आपका CTV यही फार्मूला है, जिसके माध्यम से आप पूर्वी तट के सभी बंदरगाहों को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आ से अन्नोर, आ से होगा अन्नोर बंदरगाह, उसे कहीं एन्नोर भी बोलते हैं, तो आ से होगा अन्नोर बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। पी से होगा पारादीप जो उड़ीसा में है। के से होगा, क से होगा कोलकाता बंदरगाह। शी से होगा चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। देखिए इसका जो क्रम है थोड़ा सा इधर का उधर हो गया है, मान ली तमिलनाडु जो सबसे नीचे बंदरगाह, पूर्वी तट के सबसे नीचे बंदरगाह तमिलनाडु, लेकिन पारादीप जो है थोड़ा ऊपर है, तो इसमें थोड़ा क्रम आगे पीछे है, लेकिन कुल मिलाकर यह सभी पूर्वी तट के ही बंदरगाह हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में बस रखिएगा कि आपका CTV पूर्वी तट के सभी बंदरगाहों को याद करने का ये बस एक फार्मूला है। आपका CTV कहाँ है, पूर्वी तट पर। आपका CTV कहाँ है, पूर्वी तट पर। आ से होगा एन्नोर बंदरगाह, कहाँ है, तमिलनाडु में। पी से होगा पारादीप बंदरगाह, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। क से होगा कोलकाता बंदरगाह। सी से होगा चेन्नई बंदरगाह, सी से होगा चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, आप लोग जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आइए सी से होगा चेन्नई बंदरगाह। टी से होगा तूतीकोरन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। और वी से होगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है। तो यही बंदरगाह हैं। तो पूर्वी तट के सभी बंदरगाहों को याद करने का फार्मूला क्या है, आपका CTV, आपका CTV, बस कोई मुश्किल नहीं है। पूर्वी तट के बंदरगाहों को याद करने का ट्रिक है आपका CTV। आ से होगा एन्नोर बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। पी से होगा पारादीप जो उड़ीसा में है। क से होगा कोलकाता बंदरगाह। सी से होगा चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में ही रहेगी। टी से होगा तूतीकोरन बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। वी से होगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है। तो बस यही है आपका CTV, जिसके माध्यम से आप पूर्वी तट के सभी बंदरगाहों को याद कर सकते हैं मात्र कुछ ही देर में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल जुड़ जाएगा, जिसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।